एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो मैं हूँ शगुफ्ता अली और आज हम लोग फोटोशॉप के नए ट्यूटोरियल के साथ जो है वो हाज़िर हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पीएस की जितनी भी मैंने सीरीज़ बनाई हैं अभी तक, उसमें हमने इंडिविजुअली हर टूल को डिस्कस किया है। और आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से कस्टम शेप्स को और ऐड कर, जिस तरह से हमने ब्रशेस को ऐड करना सीखा, इस तरीके से आज हम लोग कस्टम शेप्स को ऐड करना सीखेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट जो है मुझे यहाँ तक ले इनक्रेज करता है ताकि मैं और वीडियोज़ आप सबके लिए डिज़ाइन करूँ। इसी तरीके से सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्क्रीन पर पीएस है और मैं एक वेबसाइट बनाने जा रही हूँ आप लोगों को, जिस वेबसाइट के ज़रिए आप फ्री में शेप्स हासिल कर सकते हैं। सो गूगल पर आते हैं और गूगल पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग शेप्स फॉर फ्री, ये एक वेबसाइट है ऑफिशियली जिसको आप यूज़ कर सकते हैं शेप्स फॉर फ्री के नाम से। और इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी शेप्स, चाहे वो रिबन्स चाहिए आपको, हर तरह के शेप्स आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो रिबन्स शेप्स को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लाइक दैट। देखिए ये बैनर्स हैं, रिबन्स हैं और जो भी आपको जिस तरह की भी कोई भी वेक्टर शेप रिक्वायर्ड है, हर तरह की शेप्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई और शेप्स को सर्च करना चाहें तो हम 2800 प्लस फोटोशॉप शेप्स हैं यहाँ पर जिनको आप लेना चाहें और बिल्कुल इजीली आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेस करा सकते हैं। सो यहाँ पर शेप्स पर आ जाते हैं और सिंपल मैं एक 24 रिबन्स फोटोशॉप शेप्स को क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद मैं बिल्कुल बॉटम पर आऊँगी और यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, दैन आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फाइल आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। शो इन फोल्डर या ओपन इन फोल्डर करें और इस फाइल को अब आपने एक्सट्रैक्ट कराना है। CHS कस्टम शेप्स, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर जैसे ही मैं इस फाइल को एक्सट्रैक्ट फाइल कराती हूँ इसी फोल्डर के अंदर, तो मेरे पास फाइल कुछ इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाती है लाइक दैट। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, यहाँ लिखा हुआ CSH, इसकी टाइप देख लीजिएगा। टाइप देखने के बाद आप इस फाइल को यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद आप इस फाइल को डेस्कटॉप पे ले जाके, कहीं और इसको प्लेस आउट नहीं करना है, डेस्कटॉप पे रखना है। रखने के बाद आप PS पर आएंगे और आप यहाँ से कस्टम शेप्स पर आने के बाद कस्टम शेप पे क्लिक करेंगे और आपके पास टॉप पे शेप्स आ जाएंगी। यहाँ पर सेटिंग्स में लिखा हुआ है इम्पोर्ट शेप्स, आपने सिंपल क्लिक किया इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद आपके पास सिस्टम में जो भी शेप्स थी, अभी आपने रिबन शेप्स डाउनलोड की हैं, ये देखें सिंपल आपके पास हर तरह के रिबन्स डिज़ाइन हुए हुए आ गए। आपने सिंपल सेलेक्ट किया रिबन एंड देन आपने इस रिबन को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद टोटली डिपेंड ऑन यू, कलर कॉम्बिनेशन फिल करना है, स्ट्रोक ख़त्म करनी है लाइक दैट। आप इस तरीके से कोई भी कस्टम शेप को अपने जो भी असाइनमेंट डिज़ाइन करें, जो भी फ्लायर, बैनर, एक्स वाई जी, कोई भी गिफ्ट रैपिंग, तो उन सब के ऊपर आप इन कस्टम शेप को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी वीडियो के ऊपर काम करना है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं उस रेलिवेंट वीडियो के ऊपर ज़रूर काम करूँगी। सो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।